वो जो मैंने बता दिया, फिरका वारियत या फिका के ऊपर ना हो, क्योंकि ना मैं मुफ्ती हूँ और ना मेरा कोई इंटरेस्ट है फिरको शिरकों में इतना, तो बाहर का कोई जी सवाल हो तो वो कर ले। हाँ जी जी मेरा सवाल है कि हम लोग कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो हम लोग ये भी सुनते हैं कि जो हम लोग दीन में लगे रहते हैं तो डिप्रेशन जैसी बीमारी हमें नहीं आती है, ऐसा हम लोग बहुत सुनते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि दीनदार होके भी डिप्रेशन हो जाता है लोगों को। और दूसरी बात है कि क्या इस बारे में क्या पहली आपको कोई बात ले लेते नॉलेज हैं, है? पहली जी बात लेते हैं, ठीक है, जी पहली बात हम ले लेते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। आपने दो वर्ड बोले हैं, उनमें से पहले वर्ड को लेते हैं, दीनदार लोगों को डिप्रेशन। दीनदार को डिफाइन कर सकती है, दीनदार किसे कहते हैं? तभी हमें पता चलेगा कि जी जिसको डिप्रेशन हुआ है वो दीनदार था भी या नहीं। जी दीनदार वो होगा जो उसको अल्लाह पे पूरा यकीन होगा कि करने वाली जात अल्लाह है, और वो अपनी इबादत पे भी पूरा, पांच वक्त की नमाज भी पढ़ता है, कुरान की तिलावत भी करता है, और नफा नुकसान का पूरा पक्का यकीन है कि ये अल्लाह की तरफ से होता है। लेकिन अगर उसके साथ कोई हादसा हो जाता है तो वो उसके ऊपर वो असर करता है, और फिर डॉक्टर्स ने ये बताया कि अगर आपके साथ कुछ हादसा होता है तो आपके हॉर्मोन्स चेंज होते हैं और जिसके वजह से ये आपको एंग्जाइटी और डिप्रेशन होता है और ये मेडिसिन से सही हो जाता है। तो अच्छा ये मुझे इसको डिस्कस, लगता हाँ है हाँ इसको जी। डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा देखें, एक चीज आपने ये समझनी है कि दीनदार जिसको बोला जाता है ना, दीनदार वो जो आपने एक्सप्लेन किया, मैं उसी को लेकर चल रहा हूँ, इजी डेफिनेशन जो मशहूर है, ठीक है। मगर उसमें एक चीज ऐड करनी है, जो बंदा अल्लाह के मकाम को समझता है और अल्लाह की रजा में राजी हो जाता है और उसको पता है कि ये अल्लाह की जात मेरे लिए सबसे बेहतर जानती है, सबसे बेहतर करती है। ये सिर्फ जुबानी कलामी नहीं, क्योंकि ये जुमले इतने बार रिपीटेडली हमने सुने हुए हैं कि हमें अब इनका असर भी नहीं होता। मैं आपको बता, कुछ जुमले ऐसे हैं उनका असर भी नहीं, असर खत्म हो गया हुआ है। क्यों? कसरत इस्तेमाल की वजह से, रिपीटेडली यूजेज की वजह से हमें उनका असर खत्म हो चुका हुआ है। अल्लाह सब ठीक कर देगा, सब खैर है, अल्लाह बेहतर कर, ये वो जुमले हैं जो हम रोज सुनते हैं, रोज अपने दिल को कहते हैं, तो हम इनका असर खत्म हो जाता है। इसको रिफ्रेश करने की जरूरत है, इस मिजाज को। वो रिफ्रेश करने का तरीका ये है कि सिर्फ अपने अपने आप को इस जगह पर मत रोक के रखो कि जितना अल्लाह के बारे में जानकारी है, जितना अल्लाह की पहचान हो चुकी है, वो हो गई है। उस ताल्लुक को मजबूत करो। मजबूत कैसे करना है, उसका एक तरीका है। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनजुरू इला मन असफा, ये जो नुस्खा बताने लगा हूं, इससे नुस्खा बेहतरीन मुझे भी अपनी जिंदगी के अंदर कोई भी नहीं मिला, जिसने मुझे अल्लाह की रजा में राजी होना सिखाया हो और मुझे जो कुछ किसी भी मुश्किल में हूं, किसी भी परेशानी में हूं, उसमें मुझे मजबूत रखा हो और मुझे सुकून दिया हो, इस नुस्खे से बेहतर मैंने आज तक कोई नुस्खा किसी इधर उधर नहीं पढ़ा, जो मेरे अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वो क्या है? उन्जुरू इला मन असफला मिनकुम वला तंजुरू इला मन फौकाकुम। अपने से निचलों की तरफ देखो, अपने से ऊपर वालों की तरफ मत देखो। ज़ालिका अजदरू अल्ला तकफुरू निअमतल्लाहि अलैकुम। ये चीज तुम्हें अल्लाह की नेमतों और शुक्र करने से गुमराह नहीं करेगी कभी। मिसाल के तौर पर मेरा माल लूट जाता है, मगर ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके पास रहने को छत नहीं है, मैं बीमार हो जाता हूं, मेरी एक टांग, मान ले मिसाल के तौर पर खुदा ना, एक टांग जो है वो कट जाती है, ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी दोनों टांगे नहीं है, ठीक है। यानी अल्टीमेटली क्या है वफात? कितने लोग ऐसे हैं जो इस दुनिया से जा चुके हैं, आप सांस ले रहे हो, आप जी रहे हो, आप जिंदगी गुजार रहे हो, ठीक है। एक मिनट, ये जितने अब सनातनी सुनुतनी आ रहे हैं ना, इनको ना तकरीबन 1 घंटे का टाइम आउट दे दें, जितने आपको सनातनी नजर आ रहे हैं ना, क्योंकि इनमें ऊपर आने का तप्पड़ नहीं है, इनको 1 घंटे का टाइम आउट दे दें, ये मैं मॉडरेटर से कह रहा हूं, 1 घंटे का टाइम आउट सारे सनातनियों को दे दें, क्योंकि इनको नीचे बिलकना है, इन्होंने आपको डाइवर्ट करना है। मॉडरेटर सुन लें मेरा भाइयों, जितने सनातनी हैं इनको 1-1 घंटे का टाइम आउट दे दें, थक के खुद ही चले जाएंगे, क्योंकि जिसने ऊपर आना था ना टाइम पर, उस टाइम आना था, जिसने नहीं आना उसको फारिग करवाएं, तो ये डाइवर्ट आप नहीं, हम होंगे, आप फोकस कर ले वापस। एक बार मैंने दोस्तों को कह दिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा अब तो जब ये तस्वीर पैदा हो जाता है ना सिस्टर, के आप अपने से नीचे लोगों की तरफ देखते हो जो आपसे ज्यादा परेशान हाल है, तो आपको फिर अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा होता है ना। शुक्री कब पैदा होती है? ना उम्मीदी कब पैदा होती है?
डिप्रेशन कब पैदा होता है? उनमें से मल्टीपल चीजों में से एक चीज होती है जब आप ये देखना शुरू करते हो कि फलां के पास तो गाड़ी है, फलां के पास तो इतना पैसा है, फलां के पास तो इतना मकान है, फलां का जनाब ये है, फलां का वो है, ये चीजें, और जो अपनी नेमतें हैं उनको भूल जाते हो। मैं अक्सर एक अपने दोस्तों में कहानी सुनाया करता हूँ, 99 का फॉर्मूला। सिस्टर आपने सुनी है कहानी जी, कौन सी? 99 का फॉर्मूला, सुनिए कभी? नहीं ये नहीं सुनी? नहीं चलें फिर आपके तवस्सुत से हम इनको कहानी सुनाते हैं भाइयों को, ये सुनने वाली। एक बादशाह होता है बड़ी सल्तनत में, मगर हमेशा डिप्रेशन में रहता है, हमेशा गमजदा, ना उम्मीद, अपसेट, एंजाइटी, सारे डिसऑर्डर्स उसके अंदर होते हैं। वो अपने वजीर से पूछता है, एक दफा ना बाग में वो वॉक कर रहा होता है अपने वजीर के साथ। वॉक करते हुए वहां एक शाही माली होता है, शाही माली उस बागीचे के अंदर। वो जब वजीर के साथ वॉक कर रहा होता है, वो देखता है वो जो माली है ना, वो बड़ा खुश है, हंस रहा है, खिलखिला रहा है, बड़ा सेहतमंद है, फ्रेश है, आंखें भी चमक रही हैं, सेहत भी, रंग नूर भी चमक रहा है। वो वजीर से कहता है, यार मेरी बात सुन, मैं इतनी बड़ी सल्तनत का बादशाह हूं, तू मेरा वजीर है, तू मुझे बता, ये मेरा नौकर है, मेरा मुलाजिम है, जो खुशी इसको है वो खुशी मुझे, सुकून मुझे क्यों नहीं है? मैं तो बादशाह हूं, मैं तो इसका मालिक भी हूं, वो सुकून मुझे क्यों नहीं? वजीर उसको कहता है, क्या आपको 99 का फॉर्मूला पता है? जैसे मैंने सिस्टर से पूछा, बादशाह ने कहा मुझे नहीं पता। उसने कहा कि 99 का फॉर्मूला ये है कि आप एक बंदा अपॉइंट करें, उस बंदे को कहें कि एक बर्तन के अंदर ना 99 अशर्फियां, गोल्डन कॉइन्स जो हैं, वो उन उस बर्तन के अंदर डालने हैं और उसको बंद कर देना है, और उसके ऊपर लिखना है 100 अशर्फियां, यानी 100 गोल्डन कॉइन, ये आपने लिखना है। अंदर 99 डालनी है, बाहर 100 लिखना है। उसने कहा फिर? तो वजीर कहने लगा, बादशाह सलामत, इस चुपके से रात को इसके घर के बाहर रख देना, इस माली के, जो आपको बड़ा खुश नजर आ रहा है, और नॉक करके चले जाएंगे, वो बाहर निकलेगा, उठाएगा, तो उसके बाद फिर आपको सुबह पता चल जाएगा 99 का फॉर्मूला क्या है। बादशाह ने कहा ठीक है, टेस्ट कर लेते हैं। बादशाह ने एक बंदा अपॉइंट किया, खजाने से 99 अशरफियां उस एक बर्तन में डाली, उसको बंद किया और ऊपर लिखवाया 100 अशरफियां, जबकि अंदर थी 99। और जैसे वजीर ने कहा था, वैसे ही उस माली के घर के बाहर रात के पहर उस बर्तन को रखवा कर नॉक किया और बंदा भाग गया। माली बाहर निकला और माली ने जब उन पड़े हुए बर्तन को देखा जिस पर लिखा था 100 अशरफियां, वो बड़ा खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि उसने सारे घर को जगाया रात के टाइम, और उस बर्तन को खोलकर उन अशरफियों को निकाला और बच्चों और बीवी को कहने लगा, गिनो गिनो गिनो, क्योंकि उसको फ्री का मिला था, गिनो। गिनती करते हुए जब वो 99 पर पहुंचकर रुक गए, वो सर खुजाने लगा। उसने कहा, बर्तन पर 100 अशरफियां लिखा था, तो अंदर भी 100 होनी चाहिए, एक काम क्यों है? उसने गुस्से के अंदर अपने बीवी बच्चों को कहा, तुमसे कोई काम नहीं होता, ढूंढो वो अशरफी किधर गई है, तुमने कहीं घुमा दिया है, कभी वो बिस्तर के नीचे देखें, कभी चारपाई के नीचे, कभी अलमारी में, कभी लकड़ी के फटे के नीचे, कभी किधर कभी किधर, कभी बच्चों को उठा पटक के चेक करें। फिर वो बाहर निकला, गलियों में ढूंढने लगा। उसको गम ये था कि 100 अशरफियां लिखा है, वो एक किधर गई, ये तो 99 है। सारी रात उसने अपने घर वालों को गुस्से के साथ खरी खोटी सुनाई और उनको जगाए रखा। अगले दिन जब वो शाही बगीचे के अंदर नौकरी करने के लिए गया, तो वजीर बादशाह सलामत का हाथ पकड़ कर लेकर आया और कहा, वो देखें उस माली की तरफ। अब की बार जब बादशाह ने उस माली की तरफ देखा, तो उसकी आंखों में नींद छाई थी, माथे पर शिकन थी, हुलिया बिगड़ चुका था और हालात खस्ता थे, और चेहरे से साफ तौर पर ना उम्मीदी और गम की जो निशानी है वो नजर आ रही थी। तो बादशाह ने वजीर की तरफ चौंक कर देखा, उसने कहा, ये क्या हुआ, ये बंदा कल तक तो बड़ा खुश था। उसने बादशाह सलामत को बताया कि बादशाह सलामत, इसे कहते हैं 99 का फार्मूला, वो 99 अशरफियां जो इसको बिन मांगे मिल गई थीं, उनको इग्नोर करके सिर्फ एक के दुख को लेकर बैठा है कि वो कहाँ है, जबकि ये भूल गया है कि वो 99 बिना मेहनत के और बिना मांगे इसको मिल गई थीं। आज इंसान बिल्कुल उसी 99 के फॉर्मूले के तहत उन तमाम नेमतों को, उन तमाम आसाइशों को, उन तमाम खुशियों को जो बिन मांगे और बिन कहे उसको मिल गई हैं,
उनको इग्नोर करके सिर्फ उस एक खुशी के लिए अपनी जिंदगी को बर्बाद किए फिर रहा है कि पता नहीं ये नहीं है तो मैं बेकार हो गया हूँ, ये नहीं है तो मैं तबाह हो गया हूँ, ये नहीं है तो मुझे कोई जिंदगी का जीने का मजा नहीं है, और उन 99 को भूल चुका हुआ है। ये है 99 का फॉर्मूला। अब आ जाते हैं सिस्टर के आखिरी पॉइंट के ऊपर, जो है केमिकल लोचा। केमिकल लोचे के अंदर कोई शक नहीं है, जिस तरह बॉडी डाइट की वजह से अपसेट होती है, इसी तरीके से इंसान का माइंड चूंकि बॉडी का हिस्सा है, वो डाइट अपसेट होने की वजह से अपसेट होता है। मिसाल के तौर पर कितने ही ऐसे हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं या एंजाइटी और पैनिक डिसऑर्डर के पेशेंट होते हैं जिनका मसला उनका लाइफस्टाइल है। डॉक्टर उनको जहां पिल्स देता है, वो पिल्स बेसिकली रिलैक्सॉन का एक इफेक्ट डालते हैं दिमाग के ऊपर। यानी होता ये है कि जो केमिकल्स हैं आपके ब्रेन के अंदर जो उसको बैलेंस रखते हैं, वो डाइट के अपसेट या लाइफस्टाइल के अपसेट होने की वजह से अपसेट हो जाते हैं। क्योंकि इंसान जहां रूहानियत का, यानी ये याद रखना चाहिए कि इस्लाम का खासा ये है, दूसरे निजामों से बरतरी ये है कि इस्लाम सिर्फ इंसान की रूह की तरफ नहीं देखता, उसके नफ्स की तरफ नहीं देखता, बल्कि उसके जिस्म की तरफ भी देखता है। ज्यादातर धर्म जो हैं वो आत्मा पर जोर देते हैं, शरीर को त्याग देते हैं, शरीर को छोड़ देते हैं, ये भूल जाते हैं कि आत्मक और शारीरिक संबंध के कारण ही ये जीवन है। यानी आपका एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है और एक मटेरियल एस्पेक्ट है, फिजिकल एस्पेक्ट है, इसको भूल जाते हैं। इस्लाम दोनों में बैलेंस करता है, इसीलिए इस्लाम ने आपको इसराफ से और तय्यबात खाने का हुक्म दिया और इसराफ से मना किया। अब आ जाते उस पॉइंट के ऊपर, तो कितने ही साइकोलॉजिस्ट होते हैं या साइकेट्रिस्ट हैं, जब वो पेशेंट को बहुत बुरी हालत के अंदर देखते हैं ना डिप्रेशन की वजह से, तो वो उसको जो पिल्स देते हैं, वो पिल्स बेसिकली वो जो टेंशन उस बीमारी की वजह से इफेक्ट है ना ब्रेन के ऊपर, उसको ठंडा करने के लिए देते हैं। उससे वो बंदा ठीक नहीं होता, वो जो टेंशन है ना, स्ट्रेस है, वो क्योस है, मेस है माइंड के अंदर, जिसकी वजह से डिप्रेशन है, पैनिक हो रहा है, एंजाइटी है, नर्वसनेस है, ठीक है, पैरानॉइड फील कर रहा है, वो उसको रिलैक्स करते हैं। बाकी इसके साथ आपने नोट करना है कि जो साइकेट्रिस्ट होते हैं या साइकोलॉजिस्ट हैं, वो सजेस्ट करते हैं अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना, अपने सोशल सर्कल को बढ़ाना, हेल्थी डाइट को जो है ना प्लान करना, वॉक पे निकलना, ठीक है, नेचर के पास जाना, ठीक है, नेचर घूमना, ये चीजें वो लाइफस्टाइल कहते हैं, टाइम पर सोना, टाइम पर जागना, ये वो चीजें रिकमेंड करते हैं। अब इन दो चीजों में से कोई भी चीज डिसऑर्डर का शिकार होती है तो आपकी बॉडी भी डिसऑर्डर का शिकार होगी और इवेंचुअली आपका ब्रेन भी डिसऑर्डर का शिकार होगा। ये चीजें अगर आपको समझ आ जाए तो सिस्टर वो मसला काफी हद तक इंशाल्लाह हल हो जाएगा। अलबत्ता एक चीज इसमें जरूर मैं कहूंगा, कुछ लोग सिर्फ दुआ पर जोर देते हैं। दुआ एक पार्ट है इस पूरे के पूरे प्लान का जो इस्लाम ने सिखाया हुआ है, मगर वो ये भूल जाते हैं कि जिस्म भी है, इसको भूल जाते हैं। तो दुआ और दवा, दुआ यानी प्रेयर और दवा मेडिसन, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से इंसान हेल्थी होता है, क्योंकि अल्लाह ने जहां रूह डाली है वहीं जिस्म भी है, तो दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ ये होता है। इस चीज को हमें समझना चाहिए। बाकी सिस्टर अगर कोई और आपकी बात हो तो जरूर मैं चाहूंगा आप करें, ताकि बात को हम ले चलते हैं। जी जी जज़ाकअल्लाह, इसका मुझे जवाब मिल गया। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है ना कि कोई इंसान बहुत मजबूत होता है इस लिहाज से, रूहानी लिहाज से भी, और वो अपने डाइट का भी ख्याल रखता है, लेकिन कुछ लोग उसके इर्द गिर्द ऐसे होते हैं जो शायद उसे जेलस फील करते हैं और उसको लो करने की कोशिश करते हैं। तो जाहिर सी बात है, इंसान है तो वो उससे अफेक्ट होता है और उस पर वो असर करता है। तो फिर तब वो ना चाहते हुए भी वो इसमें चला जाता है और उसको फिर वो दवाएं ये सब लेना पड़ता है, तो ऐसा भी होता है। उसका हल मैंने जो आपको बताया ना, वो जो टेक्निक है कि आपने अपने से नीचों की तरफ देखना, ऊपर की तरफ नहीं, ठीक है, ये तकनीक अगर आपके ध्यान में आ जाएगी और इसको प्रैक्टिस के तौर पर, मेरे एक बड़े प्यारे मोहसिन है, मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, वो मुझे कहते हैं कि जब भी मैं दुनिया में खोने लगता हूँ ना, इसका मुझे डर होता है कि मैं दुनिया की रंगीनियों में खो जाऊंगा, या मैं लोगों की बातों में आ जाऊंगा, या मैं किसी जगह पर परेशान होने लगता हूँ, या मैं किसी जगह पर डिप्रेस फील करता हूँ, तो मैं हॉस्पिटल का जो इमरजेंसी वार्ड होता है ना, उसके विजिट करता हूँ, इमरजेंसी वार्ड हॉस्पिटल में। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना कब्रों की ज़ियारतों की जो बाद में इजाजत दी थी ना, उसके पीछे रीजन ये थी, ये तो इंसान को अपनी औकात में रखती है। इंसान चार दिन बड़ा फ्रेश गुजारता है ना, तो अपनी औकात से बाहर आ जाता है, उसको स्टेबल रखने के लिए ना, कि ये हकीकत है, ये तुम्हारी जिंदगी है,
इसीलिए जो है उसमें अल्लाह का शुक्र अदा करना है और जिंदा दिली के साथ जीना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल हॉस्पिटल है, आप इमरजेंसी वार्ड के अंदर चले जाएं, वहां आपको जवान 20 20 22 22 अठारह अठारह 15 15 16 16 14 14 साल के बच्चे बेचारे किसी हालत में पड़ा है, कोई बुजुर्ग किस हालत में पड़ा है, मुख्तलिफ हालतों में पड़े होते हैं। जब आप उनको देखते हो आप शुक्र अदा करते हो कि या अल्लाह मैं तो खुद चल के आई हूँ, मैं तो खुद चल के आया, मैं तो साथ मेरे तो हाथ पैर सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। तो ये लोगों को देखो ना, अपने आप को एक मिनट के लिए उस जगह पर इमेजिन करके देखे, खुदा ना खास्ता बंदा अपने आप को उस बिस्तर के ऊपर इमेजिन करके देखे जिस बिस्तर पर खुदा ना खास्ता को हादसे की सूरत में पड़ा हुआ है, आप में और उसमें क्या बेहतर था सवाई अल्लाह के फजल के? बताओ तो सही, किस चीज ने तुम्हें उस बिस्तर पर या उस जगह पर होने से रोके रखा है? तुम्हारी कोशिश ने? कोशिश तो उसने भी की होगी। तुम्हारी मेहनत ने? मेहनत तो उसने भी की होगी। तुम्हारी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट तो वो भी तो उसकी भी थी। सवाई अल्लाह के फजल ने बताओ किस किस वजह से तुम्हें उस हालत से बेहतर रखा हुआ है, तो फिर क्यों ना उसका शुक्र अदा करें। सूरह इब्राहिम में अल्लाह ताला फरमाते हैं ला इन शकरतुम ला अजीदन्नकुम। अब लोगों ने समझ लिया है कि अल्लाह की नेमत को बढ़ाने का तरीका है शुक्र। अब शुक्र को वो ले लिया, शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है वेरी गुड अल्हम्दुलिल्लाह है, मगर नेकी का शुक्र हकीकत के अंदर ये होता है कि नेकी की कदर करना, उसकी कदर। ओह मैं माजरा चाहता हूँ, अली भाई आए माशाल्लाह, अहलन अहलन अली भाई, मैंने यार माजरा चाहता हूँ भी देखा, अली भाई वेलकम वेलकम। नो प्रॉब्लम जी, बहुत शुक्रिया आमिर भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहु, और तमाम नाज़रीन को भी सलाम, बहुत शुक्रिया आमिर भाई, माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू कर रहे हैं आप, कंटिन्यू जी। अली भाई माशाल्लाह, बड़ी माजरत चाहता हूँ कि मैंने कहीं देर ना कर दी हो, मैं असल में गुफ्तगू में मगन हो गया। ठीक 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 ठीक। तो सिस्टर बस मुख्तसर ये करते हैं, मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि जो नेमत का शुक्र है ना, अगर आप चाहते हैं कि आपकी हालत बेहतर रहे, अच्छा जैसे आप कह रही हैं कि हम कोशिश भी करता है इंसान, अल्लाह पर भी यकीन रखता है, सब चीजें करता है, तो उसके बाद अल्लाह का फजल ही है, कोशिश के बाद मेहनत के बाद सब चीजों को जानने के बाद अल्लाह का फजल है। अच्छा एक और चीज भी मैं यहाँ ऐड करता हूँ, इससे पहले मैं नेमत की कदर की तरफ आऊं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि बड़ी तादाद के अंदर ये हमारा सोशल मसला बना हुआ है। टॉक्सिक बिहेवियर्स के पीछे ये है, डिप्रेशन के पीछे ये है, अच्छा जो हमारा सोशल ऑर्डर डिस्टर्ब हुआ है उसके पीछे इंडिविजुअल्स का इस तरीके का रवैया है, जिस वजह से ये मामला है, इसलिए इसको खुलकर डिस्कस करना चाहिए। मैं किताब रिकमेंड करता हूँ, पहले भी कई बार की है, डॉक्टर सईदा गजनवी, डॉक्टर सईदा गजनवी, पीडीएफ में किताब मिलेगी, किताब का नाम है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहसियत माहिर नफ्सियात। ये किताब जरूर डाउनलोड करें, पीडीएफ में मिल जाएगी आपको, उर्दू में है, जिनको उर्दू आती है किताब जरूर पढ़ें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहसियत माहिर नफ्सियात। अब ये किताब रिकमेंड कर रहा हूँ, फिर कुछ लोग आते हैं कुछ किताबें बताएं, भाई यही टाइम होता है, कोई टॉपिक आएगा तो किताब रिकमेंड करता हूँ, इसको लिख लो, इसको डाउनलोड कर लो, यही टाइम है, वो अलग बैठ कर तो नहीं ना किताब रिकमेंड करनी, तो इसलिए इसको ये रिकमेंड किया है, इसको जरूर तमाम लोग, खास तौर पर खवातीन हैं, इस किताब को डाउनलोड करें। ये एक खातून ने किताब लिखी है और पाकिस्तान में इस बुक को प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिला हुआ है, इतनी शानदार किताब है। मैंने साइकोलॉजी को इस्लामिक पर्सपेक्टिव से देखना, इस्लामिक लेंस से साइकोलॉजी को पढ़ने पे मेरी नजर से कोई किताब इसके अलावा नहीं गुजरी, तो जरूर ये किताब पढ़ें, उर्दू में है, इंग्लिश का मुझे पता नहीं। अच्छा सिर्फ मैं एक बात रख के ना फिर आपकी तरफ आ जाता हूँ, तो ये चीज है कि जब इस तरह के मामला हो रहे हों तो ऐसी सूरत में अल्लाह की नेमतों का शुक्र क्या है? वो शुक्र ये है कि जो नेमतें दी गई हैं उनका हक अदा किया जाए, सेहत है तो उसको किसी इंसानियत के काम में लगाया जाए, पैसा है तो इंसानियत के काम में लगाया जाए, जुबान है तो इंसानियत के काम में लगाया जाए, कलम से लिखते हैं इंसानियत के काम में लगाया जाए, लॉयर हैं इंसानियत की खिदमत में लगाएं, गवर्नमेंट ऑफिसर हैं इंसानियत की खिदमत, अलगर्ज हर जगह पे ले लें, जहां जहां आप हैं उन नेमतों का शुक्र है कि उनको इंसानियत की खिदमत के अंदर लगाएं, लोगों की ह्यूमैनिटी की सर्विस के अंदर लगाएं, अल्लाह ताला आपको उसका अजर देंगे और उसका फजल ये होगा कि आपकी नेमत में मोहलत देता जाएगा और आपको सुकून देगा। कोई इंसान भी सिस्टर और दीगर जितने हमारे लोग सुन रहे हैं ये अपने जहन से निकाल दें, इंक्लूडिंग मी यहां पर जो बैठे हैं, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिस पर स्ट्रेस या टेंशन ना आती हो। दो चीजों में फर्क समझ लें, इस्लाम आपको दुखी होने से नहीं रोकता, इस्लाम आपको गम करने से रोकता है, दुख में और गम में फर्क है। दुख होता है इंसान को, गम होता है मरीज को। दुख इंसान की नेचर का हिस्सा है, जिस जो इंसान दुखी नहीं होता वो जिंदा भी नहीं है। कौन है कि जो कभी दुखी ना होता हो, कौन है कि जिसको कभी
जनाब रंज ना पहुंचता हो, जिसको कभी अपनी गलतियों के पर अफसोस ना होता, वो दुखी ना होता, कौन है? गम करने से रोका है। ला तहजन इन अल्लाह माना, हुजन ये इख्तियार नहीं करना, इससे बचना है। ठीक है, यही वजह है कि कुरान में अल्लाह ताला ने मोमिनीन की एक सिफ्त बयान की है कि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उन पर हुजन नहीं होगा। तो हुजन से अपने आप को बचाना है, बाकी गमजदा तो बंदा हो जाता है, दुख के लम्हे आते हैं, बंदा आंख भी बह जाती है, रोता भी है, वो इंसान है, कोई पत्थर नहीं है। जी सिस्टर, आप बात करें, फिर अली भाई की तरफ चलेंगे और फिर आगे भी बढ़ेंगे। जी 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 जजाकल्लाह आमिर भाई, बिल्कुल दुख तो हमारे नबी को भी हुआ था जब उनके बच्चों का इंतकाल हुआ, उनकी बेटियों का इंतकाल हुआ, बिल्कुल। और ये जो बुक आपने ना पहले भी रिकमेंड की थी, मैंने ये डाउनलोड भी की और मैंने पढ़ रही हूँ, अभी पूरा खत्म नहीं किया मैंने पीडीएफ में। माशाल्लाह, वेरी तो गुड। जी आपने पहले भी बताई थी। जी जजाकल्लाह।